इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू हो गया। बड़ी संख्या में फोर्स के साथ हॉस्टलों पर पहुंचे विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों ने कब्जा हटवाया। प्रथम दिन इसकी शुरुआत ताराचंद छात्रावास से की गई। सोमवार को बड़ी संख्या में फोर्स अवैध छात्रों का कब्जा हटाने के लिए हॉस्टल पहुंची तो खलबली मच गई। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से आज हॉस्टल खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है, पूरी तरह से गलत। जब छात्रों का हॉस्टल फरवरी के माह में अलॉट होगा और छात्र दो साल की फीस जमा करे और रहे 15 महीने, तो उसको खाली कराने का यही तरीका हो सकता है, क्योंकि छात्र दो साल से पहले तो खाली करेगा नहीं। और दूसरी बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रत्येक हॉस्टल की बात, मैं न सिर्फ ताराचंद में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह टूटा है। यहाँ आप देखिए, जाके वाटर कूलर इसी देखिए, वाटर कूलर खराब पड़ा हुआ है। यहाँ मेस नहीं चलता, यहाँ कोई सुविधा नहीं, सिर्फ छात्रों से फीस वसूली का कार्यक्रम चलता है। और प्रशासनिक लापरवाही इस कदर हावी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे किसी भी चीज देखने को मिली। यहाँ पे फरवरी में हॉस्टल अलॉट होता है, मार्च में हॉस्टल अलॉट, सितंबर अक्टूबर में जो हॉस्टल अलॉट होना चाहिए वो अप्रैल में मई में अलॉट हुआ है। सोचिए किस प्रकार की यहाँ लापरवाही है, किस प्रकार से यहाँ छात्रों के साथ उत्पीड़न किया जाता है, और आखिरी में पुलिस बुला के बस अपनी अपने जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली जाती है। इन्हें छात्रों कल्याण से कोई मतलब नहीं, इन्हें छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं, बस अपने मनमाने निर्णयों को थोपने का काम बस करती है। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर छात्रों से अवैध कब्जा हटाने की जानकारी दे दी थी। इसकी सूचना भी विश्वविद्यालय और हॉस्टलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा आए दिन विगत दिनों से आए दिन छात्रावासों में अवैध लोग रह रहे थे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं थे। आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही थी, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक निर्णय लिया कि जो यहाँ के लीगल इनमेट नहीं है उनको बाहर करने का काम किया जा रहा है, और जो इनमेट है उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। धन्यवाद। आज ताराचंद छात्रावास में हॉस्टल में रह रहे अवैध छात्रों के खिलाफ प्रैक्टोरियल बोर्ड और पुलिस प्रशासन द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें सभी अवैध छात्रों को भगाया गया और अवैध छात्र सुरक्षित हैं। इसके लिए चीफ प्रैक्टर सर के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी, उस गठित ने पूरा काम किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर राकेश सिंह के अनुसार यह अभियान विश्वविद्यालय के 10 हॉस्टलों में चलाया जाएगा। डॉक्टर ताराचंद, केपीयूसी और शताब्दी बॉयज छात्रावास में अभियान चलाया गया। अब 9 जनवरी को डायमंड जुबली एवं एएन झा हॉस्टल, 10 जनवरी को जीएन झा एवं पीसीसीबी और 11 जनवरी को एसआरके, सर सुंदरलाल एवं हॉलेंडर हॉल में अभियान चलाया जाएगा। ताराचंद छात्रावास में 50 से 60 के लगभग लीगल इनमेट हैं और सब बाहरी हैं। इसमें कुछ तो छात्र हैं और कुछ छात्र नहीं हैं, तो सबकी चेकिंग करके बाहर निकाल करके ताला लगवा दिया जा रहा है, और वो छात्र जो लीगल इनमेट हैं वो रहेंगे। अच्छा, कुछ छात्रों का कहना है कि उनकी रसीद कटी है, भी कमरा नहीं ला सकते, इस तरह का है, उनके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, जिनकी रसीद कटी है उनको कमरा अलाट रहेगा, अलाट हो जाएगा और उनको जाने की जरूरत नहीं। ऐसे सुरक्षा व्यवस्था के तहत इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी, सुरक्षा व्यवस्था पूरे इंतजाम है। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, प्रैक्टोरियल टीम है, DSW टीम है और पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि कई हॉस्टलों से विवि प्रशासन को शिकायत मिली कि जिन छात्रों के नाम कमरे आवंटित हैं, उनमें कोई दूसरा रहता है। ऐसे लोग अराजकता में लिप्त हैं और हॉस्टल प्रशासन के पास इनका कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। प्रशासन कब्जा खाली कराकर अपना ताला लगा देगा, इसके बाद छात्रों को नए सिरे से आवंटित किया जाएगा।